सूबे के जल संसाधन मंत्री सह वरिष्ठ जदयू नेता संजय झा ने रविवार को झंझारपुर में एक साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन कर शुभारंभ किया, जिसमें अररिया संग्राम स्थित मिथिला अर्बन में बने पारंपरिक भंसाघर, नगर परिषद के प्रशासनिक भवन में नव निर्मित मीटिंग हॉल एवं मुख्य पार्षद और उप मुख्य कक्ष का उद्घाटन, महिनाथपुर पंचायत में लोहिया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ के अलावा कमला नदी के पूर्वी तटबंध पर कटावरोधी कार्य का लोकार्पण शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला तटबंध के पूर्वी भाग में जुहूपुर के नजदीक कटवा निरोधक कार्य का रविवार को लोकार्पण जल संसाधन मंत्री संजय झा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग से लोग जुड़े लोग एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। सभी इस महत्वपूर्ण कार्य की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि कमला नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध पर जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंध मरम्मति के साथ ही सड़क का निर्माण कराया गया है, जो दरभंगा एवं मधुबनी जिला को जोड़ने महत्वपूर्ण मार्ग साबित हो सकती है। यह सड़क की सुविधा होने से लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही सभी जगहों पर कटाव निरोधक कार्य का लोकार्पण होने से बाढ़ की समस्या का बहुत हद तक समाधान होने की बात कही जा रही है। कार्यक्रम के संबोधन में मंत्री संजय झा ने कहा कि जब हम मंत्री बने थे तब वर्ष 2019 में भीषण बाढ़ आई थी, लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब कोई समस्या नहीं है। जल संसाधन विकास के इंजीनियरों द्वारा हर पहलू पर काम किया गया है। कटाव स्थल पर आधुनिक स्टील पायल से तटबंध को सुरक्षित बनाया गया है, जिससे तटबंध टूटने की संभावना कम है और बाढ़ की विभीषिका से मुक्ति मिलेगी। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। मुझे ठीक नहीं हो तो एक बार हिसाब सबका करवा के तो हम है या काज हम तो काज लो के लो हम नहीं छी एमपीए में ले हम वोट नहीं लेने छी, लेकिन अही माइक पैन भरे ते दुआरे क्षेत्र में जे हमरा हाथ में इससे काज या बिहार सरकार में जे काज हो सके छे वो काज प्रयास क के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन गया। कहियो कल्पनो रहे तब तो आदमी छे आ क्यों डिमांडो करे रही है। जिला के डिमांड खूब है छले, देखिए खूब सोशल मीडिया में कि जिला कब बनेगा, बने जिला लेकिन मेडिकल कॉलेज का डिमांड तो नहीं किया। कोई कमला में बांध पर रोड पर इसका डिमांड तो नहीं किए। नेपाल में हाईडैम बनना चाहिए बात तो नहीं बोलते। झंझारपुर में सिंचाई व्यवस्था ठीक हो, स्कूल ठीक हो, इलाज ठीक हो तो नहीं बोलते। ये ना बोलना चाहिए कि कोई कमी है उसमें प्रयास